सागर जिले की खुरई में इन दिनों किसानों की खेतों में फसल कटकर पूरे तरीके से तैयार खड़ी हुई है। कहीं कहीं किसानों ने फसलों को काटना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मौसम के बार बार बदलते रूप और लगातार बढ़ती आगजनी की घटनाओं को देखते हुए किसानों को अपनी फसल बचाने की चिंता हो रही है। लॉकडाउन के कारण गाँव में फसल कटाई के लिए किसानों को मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। किसानों को यदि मजदूर मिल भी जाते हैं तो मजदूर कटाई करने के लिए मनमाने दाम ले रहे हैं। इस बार हार्वेस्टर कम आने से हार्वेस्टर मालिक भी अपने मुताबिक किसानों से दाम ले रहे हैं। पिछले सालों की अपेक्षा हार्वेस्टर मालिक किसानों से बढ़कर दाम ले रहे हैं। बता दें कि कोरोना की वजह से पूरे प्रदेश की सीमाएं सील हैं, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है और क्षेत्र में जो हार्वेस्टर हैं या जो पहले आ चुके हैं वही इक्का दुक्का हार्वेस्टर खेतों में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम संख्या में हार्वेस्टर आने से जहां किसानों को नुकसान हो रहा है तो वहीं हार्वेस्टर मालिक इसका फायदा उठाकर किसानों से मनमाने दाम ले रहे हैं। आगजनी की घटनाओं के कारण किसानों को रात में खेतों में रहना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। हार्वेस्टर नहीं आया है, आसों से परेशान हो रहे हैं। उनसे कुछ तो काम ही नहीं निकल पा रहा हुआ है। किसान हरा किसान परेशान है, रखा आसों बहुत परेशान हो रहे हैं। लॉकडाउन के चक्कर में मजदूर मिल नहीं रहे, मजदूर मिल जाते तो जब त्रेसर हो जाती, त्रेसरे ढूंढवे जाए तो त्रेसरे नहीं मिल रही। ने किसी काट लई है, अब त्रेसर को इंतजार कर रहे हैं, मजदूर मिल नहीं रहे। अब कछु साधन मिल जाए तो निकल जाए ना, अब रखी है इकट्ठी करके रख लई है। लॉकडाउन हुआ है तो लेबर आ नहीं पाई, बहुत परेशान है। थोड़ी थोड़ी हमें लोगों ने काटी है घर से, और साधन मिल नहीं रहे तो ये पड़ी है, निकल नहीं पा रही, थ्रेसर नहीं हो पा रही है। बहुत परेशान है इस साल, तो पिछले साल से अपेक्षा इस साल ज़्यादा परेशान है, लेबर नहीं आ पाई। खुरई से मनोज बाधवानी, सागर टीवी न्यूज़।